गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं और इंडिपेंडेंस डे की आप सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात किया था, दैट मीन्स कहा जाए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया, प्रतिरोध और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी लगभग लगभग मैं आपको सभी जानकारी दे दिया हूँ। प्रतिरोध क्या है, विद्युत धारा क्या है, चालकता क्या है और मोलर चालकता क्या है, तुल्यांकी चालकता किसी कहते हैं, इनके मात्रक यानी यूनिट भी आपके बारे में इनको आपको मैं दे दिया हूँ। ठीक है बच्चों, आज की जो केमिस्ट्री की क्लास है, आज हम पढ़ेंगे नर्नस समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? नर्नस समीकरण, यानी इलेक्ट्रोडों या इलेक्ट्रोडो विभव के लिए नर्नस समीकरण। इलेक्ट्रोड विभव के लिए क्या पढ़ेंगे बच्चों? नर्नस समीकरण। इलेक्ट्रोड विभव के लिए, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्नस समीकरण का बारे में आज अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों कहा जाए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से आपके सिलेबस में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, याद रखिएगा, तो जिनमें से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बच्चों कुछ कमेंट्स आ रहा है कि बच्चे वीडियो देखते नहीं हैं, तो यदि इस लॉकडाउन में कड़ी मेहनत करके वीडियो बनाया जा रहा है तो आप इसका भरपूर उपयोग कीजिए। ये कहा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस से लेकर के गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे से लेकर के रिपब्लिक डे के बीच में बच्चों की पढ़ाई होती है, तो मतलब अब आप समय आ चुका है, आज स्वतंत्रता दिवस है, मतलब कहना चाहिए कि आज से अगर आप मतलब कहना चाहिए बहुत से कम वीडियो देखते रहे होंगे, तो अब पढ़ाई में मन लगा करके आप डेली के डेली वीडियो देखिए, कोशिश करिए, हो सकता है 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी आपकी कोचिंग मतलब क्लास, स्कूल कॉलेज ये सुनने में आ रहा है, तो थोड़ा बच्चों अपने ऊपर डिपेंड होइए और मतलब कहना चाहिए कि वीडियो आप देखिए, पढ़िए, समझिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक बच्चों, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। चलिए हम अपने टॉपिक की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्नस समीकरण आज मैं बताने वाला हूँ, नर्नस इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, देखिए डिफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव का मान अनेक कारकों पर निर्भर करता है बच्चों। इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है? अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे धातु की प्रकृति, विलयन में धातु आयनों का सांद्रण और ताप। 3 पॉइंट आपके हैं। इलेक्ट्रोड विभव का मान अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे धातु की प्रकृति, विलयन में धातु आयनों का सांद्रण और ताप। फिर क्या हुआ, नर्नस ने, यानी कहना चाहिए कि नर्नस ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण, नर्नस ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया। नर्नस ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण और ताप के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया, जिसे नर्नस समीकरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया नर्नस समीकरण है क्या। देखिए आपके सामने मैं इक्वेशन लिख दिया हूँ, नर्नस समीकरण क्या, फार्मूला क्या होगा, EMN पॉजिटिव अपॉन M इक्वल टू A स्टैंडर्ड MN पॉजिटिव अपॉन M प्लस 0.0591 अपॉन N log MN पॉजिटिव। ये हमारा नर्नस समीकरण है, इक्वेशन है, नर्नस इक्वेशन है, इसको मुझे प्रूफ करना है, ये कहाँ पे आएगा, तो चलिए बच्चों इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आ गया है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नर्नस समीकरण में, जो कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इसे प्रूफ करने वाला हूँ, इसको मैं मिटाऊंगा
और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको हम मिटा करके अब हम आगे सॉल्व करते हैं। एक सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, एक सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। अब चूंकि इसमें हम कुछ रिएक्शन करवाएंगे और मुझे प्रूव करना है कि नन्नर समीकरण को, तो देखिए क्या होगा आगे। एक सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया या किसी सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिख दीजिए, किसी सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, एक सामान्य इलेक्ट्रोड किसी अभिक्रिया के लिए एक सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, उसके लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक, उसके लिए क्या होगा फार्मूला देखिए। एम एन पॉजिटिव, ये क्या लिखा हुआ है, एम एन पॉजिटिव प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों ये क्या रहेगा, ए क्यू, ए क्यू का मतलब आप जानते हैं, बताया था ए क्यू का मतलब क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन यानी जली विलयन होगा ये, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा एम एन पॉजिटिव प्लस यानी ए इलेक्ट्रॉन, अब ये क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, एम बता देगा, और ये किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड रहेगा बच्चों। किस प्रकार का रहेगा ये, सॉलिड क्यों रहेगा, क्योंकि आप ये तो पता है ना कि एम एन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, एम का मतलब होता है यहाँ पे मेटल है, कोई धातु है और उस धातु में आयन आयन लगा हुआ है यानी कोई चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। जब इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो क्या होगा, इसका चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा और हमारा बन जाएगा प्योर मेटल। ये हमारा आयन के फॉर्म में है, ये हमारा परमाणु यानी एटम के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे चलिए, के लिए नर्नस समीकरण, आगे लिखिएगा के लिए, के लिए नर्नस समीकरण। तो नर्नस समीकरण में क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना है आपको, नर्नस समीकरण लगाना है, तो आगे के लिए नर्नस समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव का मान, के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव का मान, इलेक्ट्रोड विभव का मान, तो क्या होगा, चलिए इसको नर्नस समीकरण में चेंज कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे हम, ई एम एन पॉजिटिव, ई एम एन पॉजिटिव अपॉन एम इक्वल, ठीक है, ई एम एन पॉजिटिव एम इक्वल ई स्टैंडर्ड एम एन पॉजिटिव अपॉन एम, ई स्टैंडर्ड एम एन पॉजिटिव अपॉन एम, फिर आगे चलिए माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, इतना हो गया ना। अब आगे चलिए आपको एम अपॉन एम एन पॉजिटिव, ये आपको पता है अभिकारक उत्पाद अपान क्रियाफल हो जाता है, तो बन जाएगा आपका एम और आपका हो जाएगा नीचे एम एन पॉजिटिव। ये किस रूप में रहेगा, ए क्यू के रूप में रहेगा, और ऊपर किस रूप में रहेगा, ठोस के वक्ता भी रहता है, ठीक है। ये हमारा नर्नस समीकरण है और इस नर्नस समीकरण में हमने इसको चेंज कर दिया, क्या लिखा हुआ है, ई एम एन पॉजिटिव अपॉन एम इजिकल टू ई स्टैंडर्ड एम एन पॉजिटिव अपॉन एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम एस अपॉन एम ए क्यू। अब ए क्यू का मतलब क्या हुआ, ए क्यू मतलब होता है आपका जली विलयन है और ऊपर अब सॉलिड अवस्था में है यानी ठोस स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। चलिए इतना समझ में आ गया बच्चों, अब इसको आगे मैं फॉलो करना चाहता हूँ। और आपको यह भी पता है कि जब किसी वैल्यू को हम आर टी अपॉन एल एन, ये एल एन जी को लिखा हुआ है और एल एन को हम क्या करेंगे बच्चों, लॉग में चेंज करेंगे, तो हम 2.303 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए करिए क्या होगा, ई एम एन पॉजिटिव अपॉन एम इजिकल टू ए स्टैंडर्ड एम एन पॉजिटिव अपॉन एम माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ एल एन से हो जाएगा लॉग और आपका हो जाएगा एम और एम
क्यू एम एन पॉजिटिव ए क्यू। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक, अब आगे लिखेंगे, धातु की सक्रियता इकाई ले जाती है, क्या लिखेंगे, धातु की सक्रियता इकाई ले जाती है, तो लिख दीजिएगा धातु की सक्रियता इकाई ली जाती है, यानी जब धातु की सक्रियता इकाई ली जाएगी तो वहां पे क्या हो जाए बच्चों, ms बराबर एक रखने पर क्या हो जाएगा, ms बराबर, ms का मतलब धातु जो है थोक अवस्था में है, ms इक्वल टू वन रखने पर, यानी ms के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, s लिख देंगे, मतलब एक वन लिख देंगे, तो आपका बन क्या जाएगा बच्चों, फार्मूला EMN पॉजिटिव अपॉन एम इक्वल ई स्टैंडर्ड MN पॉजिटिव अपॉन एम माइनस 2.303 RT अपॉन NS log 1 अपॉन MN पॉजिटिव, ये आया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, और ये हमारा एक फार्मूला निकल के आता है, क्या है, यह एक प्रकार का यह है मेरा फार्मूला निकल के आया है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब चलिए इसको बताइए है क्या क्या है, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन फार्मूला है, और इसमें जो हम एक मान रखें, क्योंकि हमें अब इसको और आगे सॉल्व करना है, आर का मान देंगे हम आपको, टी का मान देंगे, एफ का मान देंगे, और सभी को मान निकाल, मतलब यहाँ पे पुटअप करने के बाद लास्ट में वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, पहले इसको बताइए, तो क्या होगा, वेयर जहां क्या होगा, इन सभी को लिखिए, ई ये सभी क्या लिखना है आपको, ई लिखना है और ई स्टैंडर्ड लिखना है, ठीक है ना, ई स्टैंडर्ड एम एन पॉजिटिव अपॉन एम, ई स्टैंडर्ड एम एन पॉजिटिव अपॉन एम, क्या होगा, याद रखिए ये जो ई के ऊपर जीरो लगा हुआ है वो हमारा क्या है, उसको स्टैंडर्ड पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, ई स्टैंडर्ड एम एन पॉजिटिव अपॉन एम मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको क्या बोलेंगे हम, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, अब आगे क्या लिखेंगे, R क्या होगा, तो R इक्वल टू होता है गैस स्थिरांक, R इक्वल टू क्या होगा बच्चों, R इक्वल टू होता है गैस स्थिरांक, और इसका मान होता है 8.314, क्या 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसमें इकाई क्या होगी, जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये आपका क्या हुआ, आर का मान आ गया। ठीक, समझ में आ गया ना, अब आगे चलिए, टी का क्या होता है, तो केल्विन पैमाने में ताप, टी क्या होगा बच्चों, टी हमारा ताप होगा, तो लिख दीजिएगा केल्विन पैमाने में ताप, केल्विन पैमाने में ताप, और कितना होगा 298 केल्विन। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, ये भी टी का मान आ गया, टी मतलब होता है केल्विन पैमाने में ताप। अब आगे चलिए, एन क्या होता है, संतुलित समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो हमारा इस्तेमाल एन है वो क्या है, एन इक्वल टू हो जाएगा संतुलित समीकरणों में, संतुलित समीकरण में त्यागे गए, किसमें, संतुलित समीकरण में त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की, अथवा ये भी लिख सकते हैं संतुलित समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डर लिख दीजिए, संतुलित समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बच्चों क्या बचा है, इसमें
यंत हो गया, अब बचा है यप। अयप का मतलब जानते हैं, फैराडे होता है 96,500 कूलाम मोल इंदर। यप क्या होगा, यप का मतलब आप जानते हैं, यप इक्वल टू होता है फैराडे, और फैराडे का मान क्या होता है 96,500 कूलाम मोल इनवर्स। ठीक बच्चों, ये आपका इकाई भी आ गई, मोल कूलाम मोल इनवर्स की हो जाएगा, तो 96,500 कूलाम मोल इनवर्स। ठीक बच्चों, समझ में आ गया ना, कूलाम यहाँ पे आ गया। ये आपका था, यहाँ पे एक और है, मान के लिए अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो आपका ई स्टैंडर्ड और ई, अगर मान लीजिए ई एम एन पॉजिटिव अपॉन एम जो होगा, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपचयन, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि अभी इसमें मानक अपचयन इलेक्ट्रोड और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, क्योंकि इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, और आपका ये तीसरा पॉइंट चल रहा है, तो ये नर्नर समीकरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें यह है। ठीक है, बन जाएगा, कुछ पूछना है तो बताइए। ये हमारा जो होगा इलेक्ट्रोड विभव होगा, और मानक इलेक्ट्रोड विभव हमारा यह है। ठीक, एफ इजिकल टू फैराडे हो गया, एन इजिकल टू इलेक्ट्रॉन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की एम इजिकल टू सांद्रता, इलेक्ट्रोड सांद्रता, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। ठीक बच्चों, समझ में आ गया, कुछ पूछना है तो ये हमारा रहा मान, और ये क्या कहलाते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी एक सामान्य अभिक्रिया के लिए हमने एक फार्मूला लगाया, एम एन पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन दिया तो एक एम पायलट बन गया, के लिए नर्नर समीकरण के अनुसार। तो नर्नर समीकरण के अनुसार क्या करेंगे, देखिए इलेक्ट्रोड विभव का मान ई एम एन पॉजिटिव अपान एम इजिकल टू ई स्टैंडर्ड एम एन पॉजिटिव अपान एम माइनस आई टी अपान एन एफ एल एन एम एस अपान एम एन पॉजिटिव ए क्यू। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, देखिए इसमें ई एम एन पॉजिटिव अपान एम इजिकल टू ई स्टैंडर्ड एम एन पॉजिटिव अपान एम माइनस, क्योंकि यहाँ पे ln है और मुझे चेंज करना है log में, और आपको पता है ln इजिकल टू होता है 2.303 log। तो देखिए वही हुआ यहाँ पे 2.303 RT अपॉन NF log आया MS अपॉन MN पॉजिटिव AQ, AQ फॉर जली विलयन, यानी ये अवस्था में लिखा रहता है, क्या है, एक अवस्था है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें से धातु की सक्रियता इकाई ली जाती है, यानी कि धातु की जब सक्रियता इकाई ली जाएगी और वो भी ठोस, वो धातु कैसा होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ठोस धातु की, यानी धातु रहेगा और किस प्रकार से रहेगा, ठोस की सक्रियता इकाई ली जाती है, तो ई एम एन पॉजिटिव पान एम इजिकल टू ई स्टैंडर्ड एम एन पॉजिटिव पान एम माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ log 1 अपान एम एन पॉजिटिव, क्योंकि 1 कहाँ पे आया, तो मैं बता दिया हूँ कि धातु की जब सक्रियता इकाई ली गई तो एम एस इजिकल टू क्या किया हमने, 1 का यूज किया। अब सॉल्व कर लिया हमने तो क्या लिखा, ई एम एन पॉजिटिव अपान एम इजिकल टू ई स्टैंडर्ड एम एन पॉजिटिव अपान एम माइनस 2.303 आई टी अपान एन एफ log 1 अपान, ये आपका मेन फार्मूला हो गया, इसको हम समीकरण दे देते हैं ए। ठीक, अब ग्लास में क्या लिखा हुआ है ये बता दिया हमने, क्या है ई, क्या है तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हो गया, ई स्टैंडर्ड क्या हो गया मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हो गया, आर क्या है बच्चों तो ये एक स्थिरांक होता है गैस स्थिरांक, और इसका मान कितना होता है 8.314 जूल केल्विन पर और मोल पर। टी का मान आपको पता है 298 है ना, टी का मान चेंज होता रहता है, लेकिन यहाँ पे केल्विन में मान दिया हुआ है तो हम क्या दिए 298। याद रखिएगा आर का भी मान बहुत सारे होते हैं, 5 मान दिए गए हैं, 5 मान दिए गए हैं, और उस 5 मान में क्या करेंगे, हम पहले ही मान का उपयोग किए हैं 8.314 जूल केल्विन वर्स मोल इनवर्स। 11 में आप पढ़े होंगे, पांचों मान आप अच्छे से जानते भी होंगे। ठीक, हमें यहाँ पे आवश्यकता किसकी है, जूल केल्विन वर्स और मोल इनवर्स की, यूनिट के माध्यम से निकाला। एन क्या है, संतुलित समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एफ क्या है, फैराडे, और फैराडे एक फैराडे इक्वल क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है एक फैराडे इक्वल क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 96,500 कूलाम, और इकाई क्या होगी मोल इनवर्स।
ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम मान रखते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आप ऐसा लिख दीजिए समीकरण एक में, समीकरण एक में आर टी एफ का मान रखने पर, आरटीएफ का मान रख दीजिए ई एम एन पॉजिटिव अपॉन एम इजिकल टू ई स्टैंडर्ड एम एन पॉजिटिव अपॉन एम माइनस 2.303 इंटू आर का मान कितना दिया है बच्चों, आर का मान ये है 8.314 इंटू फिर क्या है किसका मान है टी का मान है, तो टी का मान हो जाएगा 298। इसके बाद क्या है अपॉन एन क्या है, एन तो आपका वही है, एन की कोई मान नहीं, एफ का मान है 96,500 कूलाम दिया है, और इसके बाद लॉग है, और फिर क्या लिखा है 1/m n पॉजिटिव और aq, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं। याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे 1/m n पॉजिटिव aq, ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया इतना। चलिए इसको सॉल्व करना है, तो जब बच्चों इसको सॉल्व किया जाता है करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद 96,500 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। तो इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों, तो आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से जो आएगी वैल्यू उसमें से आप 298 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एम एन पॉजिटिव अपॉन एम इक्वल ई स्टैंडर्ड एम एन पॉजिटिव अपॉन एम माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1/ इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, इसको उठा करके सीधे क्या करेंगे यहाँ पे हम एम एन पॉजिटिव और ए क्यू करेंगे, ठीक बच्चों। ये है, हम इसको और पीछे अच्छे से लिख देते हैं, ऊपर लिख देंगे अगर आपको प्रॉब्लम होती होगी। ये दिख रहा है क्या, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नैलनर समीकरण है और नैलनर इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपका है फार्मूला क्या है इसमें, देखिए क्या लिखा हुआ वहां पे ई एम एन पॉजिटिव अपॉन एम इजिकल टू ई स्टैंडर्ड एम एन पॉजिटिव अपॉन एम प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग एम एन पॉजिटिव और ए क्यू, ये आपका फार्मूला है। किसका फार्मूला है बच्चों, शायद आप देखिए स्टार्टिंग में मैं यही फार्मूला लिखा था और आपके सामने ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया है ना, कुछ प्रॉब्लम है अगर देखिए, अगर आपको एक जैसे इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 आया और इक्वेशन नंबर आपका ये क्या आया 2, हम इक्वेशन नंबर 2 तक ले गए हैं, ठीक है, यही आपका नर्नर समीकरण है। अगर आपको एक स्टेप और बढ़ाना है तो करना क्या है, फिर से आप इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा 0.0591 आएगा, ठीक, यन लॉग यहाँ पे 1/m लिखा हुआ है, लॉग 1/m होना चाहिए, तो मैं वहां पे 1/m लिख देता और जो मानक हमारी वैल्यू होती तो माइनस में ही दिख रहा थी। इसके बाद जैसे मैं उसको पक्षांतर करता तो हम क्या करते डायरेक्ट सीधे हमने माइनस को प्लस में चेंज कर दिया और 1/m के स्थान पर हमने क्या किया m यूज कर लिया और इक्वेशन नंबर हमारा जो 2 है यही वो जो हमारा 2 है यही हमारा क्या होगा बच्चों नर्नस समीकरण होगा। आगे समझ में ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं। यदि आप इसको इक्वेशन नंबर 3 तक ले जाना चाहते हैं तो आप करना क्या होगा,
ये तो आप समझ में आ गया ना। अब मान लीजिए हम स्टेशन नंबर 3 तक पहुंचाते हैं तो ये आपका वही रहेगा, ये आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव, और ये आपका ए क्यू रहेगा, ये आया। और फिर लास्ट में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3। इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, नर्नस समीकरण। तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे धातु की प्रकृति, विलयन में धातु आयनों का सांद्रण और ताप, 3 कारक पर निर्भर कर रहा है, जिनमें से 2 आपको लेना है, धातु की प्रकृति, विलयन में धातु आयनों का सांद्रण और धातु की प्रकृति को दर्शाने के लिए नर्नस ने एक समीकरण व्यंजक दिया या एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे नर्नस समीकरण कहते हैं। परिभाषा बहुत ही आसान है, थोड़ा आपको 3 पॉइंट को याद रखना पड़ेगा, धातु की प्रकृति, विलयन में धातु आयनों का सांद्रण और ताप का प्रभाव, दोनों इन तीनों में से कोई 2 ले लीजिए। कौन कौन से, नर्नस ने इलेक्ट्रॉन विभव पर धातु आयनों का सांद्रण और ताप के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया जिसे नर्नस समीकरण कहते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आ गया ना। अब आपको पूछना, चूंकि पेपर पूछा जाता है और कहना चाहिए कि इसके अनुप्रयोग भी है, तो अनुप्रयोग में हम क्या करें, इसको हम नेक्स्ट वीडियो बना दें, यदि चूंकि अनुप्रयोग भी इसी प्रकार से है तो आपका लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका अनुप्रयोग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है बच्चों, कुछ पूछना है आपको कमेंट कीजिए, नहीं पूछना है तो ठीक है, अच्छे से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि नर्नस समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से अपने मित्रों को भेजिए और आप भी देखिए, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो देखने पर कोई समझ में वैल्यू नहीं आती है। मान लीजिए आप थोड़ा सा 5-10 मिनट देख लिए, अब ये व्यंजक डेरिवेशन मैंने सॉल्व कर दिया तो कहाँ समझ में आएगा, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए, और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू, ओके।